आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। भाजपा ने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के जरिए यूपी में जाति गणित साधने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने ब्राह्मण, यादव और जनजाति नेताओं को अपने अपने समाज के बीच ये संदेश पहुंचाने को कहा है कि राजस्थान में ब्राह्मण, एमपी में यादव और छत्तीसगढ़ में एक सामान्य आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता को सीएम बनाकर भाजपा ने उनके समाज का सम्मान बढ़ाया है। यूपी में लंबे अरसे से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। यादव समाज पर अपना हक समझने वाली सपा जब भी सत्ता में आई, सरकार की कमान नेतृत्व वाले परिवार में हो रही है। ऐसे में यूपी में ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम के बाद राजस्थान में सीएम बनाकर पार्टी इस समाज को ये संदेश देने में जुट गई है कि उनका सम्मान भाजपा में ही है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यादव समाज से सीएम बनाकर यूपी में यादव समाज को बताना शुरू कर दिया गया है कि भाजपा में कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, चाहे वह यादव ही क्यों ना हो। ये भी बताया जा रहा है कि यादव समाज सपा में नेतृत्व का पद तो कभी नहीं पा सकता। जब भी ऐसा अवसर आएगा, अखिलेश यादव या उनका परिवार ही मौका पाएगा। यूपी में आदिवासी मतदाताओं की संख्या तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की कुछ सीटों को ये समुदाय प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से सीएम बनाकर पार्टी ने दलितों, आदिवासियों को ये संदेश देने का प्रयास शुरू कर दिया है कि उनके हित भाजपा में ही सुरक्षित है। सियासी प्रयोग का फायदा उठाने की रणनीति, पार्टी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण, यादव व आदिवासी समाज के बीच अपने सियासी प्रयोग का फायदा उठाना चाहती है। पार्टी ने तीनों जातियों से जुड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों को इसके लिए सक्रिय कर दिया है। यादव समाज से जुड़े नेता और पदाधिकारी जहां मोहन यादव को सीएम बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स के जरिए इसका प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।